कालू की ढाणी के क्षेत्रवासी अशोक बलि की शिकायत करने पहुंचे कलेक्टर के पास। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पाबंद करने की करी मांग। आज कालू की ढाणी क्षेत्र के क्षेत्रवासी पार्षद जेपी शर्मा के साथ कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अशोक मलिक के खिलाफ शिकायत की। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अशोक मलिक क्षेत्र में काफी गुंडागर्दी करता है, लोगों को धमकाता रहता है, पुलिस की धमकी देता है। मंदिर के अंदर लगे नल को भी उसने कल तोड़ दिया। वही अपनी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर देता है और लोगों को आने जाने नहीं देता और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए आज लोग कलेक्टर से पूछने पहुंचे कि अशोक मलिक को कौन सा पद मिला हुआ है जो वो इस तरीके से क्षेत्र में गुंडागर्दी दिखा रहा है। क्षेत्र में अगर कोई विकास कार्य होता है तो वहां पर आने वाले अधिकारी से बदतमीजी करता है और कोई विकास कार्य नहीं होने देता। इसलिए आज क्षेत्र के लोग उसे पाबंद करने की मांग लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। देखिए, हमारे जो कालू की ढाणी विष्णु हिल टाउन है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। एक अशोक मलिक नाम का एक व्यक्ति है जो कि आए दिन धमकाता है, मकान तोड़ने की धमकी देता है। जहाँ सार्वजनिक नल जो 25 साल से लगा हुआ था, जो कि मंदिर के अंदर लगा हुआ था, उसको क्योंकि वहाँ नई लाइन डली है, वो नल का डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको नहीं लगाने दे रहा। इसके अलावा लोगों को मतलब मंदिर के ऊपर गंदगी फेंकता है, बीच रोड पर गाड़ी लगाता है और हर एक जो भी विकास कार्य होते हैं उन अधिकारी ठेकेदारों सबको धमकाता है, तो जिससे कि वहाँ के विकास जितने भी कार्य होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, बाधा आती है और सब लोगों को कुछ ना कुछ कि भाई मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नुमाइंदा हूँ और अपनी गाड़ी जिसके अंदर वो भारत सरकार और अनशंड लिख के और वो वहाँ घूमता है और लोगों को परेशान करता है कि और अपने पावर का इस्तेमाल, अब वो पावर है या नहीं है, हम जिला कलेक्टर महोदय से पूछने आए हैं कि भाई ये किस पद पे नियुक्त है और ये किस प्रकार से लोगों को धमकाता है, पुलिस की धमकी देता है लोगों को, छोटे छोटे जो बेचारे हमारे भोले भाले लोग हैं जो कि किसी भी तरह की ना तो राजनीति से प्रेरित हैं ना किसी काफ़ी उन लोगों को धमकाने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं, हम कलेक्टर महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि ये है क्या, पहली चीज़। तो दूसरा विषय ये है कि इसको पाबंद किया जाए कि जिससे जनता को, बोली वाली जनता को ये परेशान नहीं करे, जो रोज का काम है इसका, बीच रोड पे गाड़ी लगा के लोगों को निकलने नहीं देता है। ये कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। जे के शर्मा।